हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाईजैकिंग एंड डिफेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द मार्केट प्लेस और वल्नरेबिलिटीज़, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंट्रोल हाईजैकिंग। हाईजैकिंग से रिलेटेड जितने भी स्मॉल टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिकली जानते हैं कि कंट्रोल हाईजैकिंग होता क्या है। कंट्रोल हाईजैकिंग के टेक्निकल टर्म्स में जाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा। हम सभी ने देखा है हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एरोप्लेन जो है हाईजैक हो जाते हैं। तो एरोप्लेन हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एक अटैकर एंटर करता है हमारे एरोप्लेन के अंदर और एरोप्लेन का जो भी कंट्रोल है वो अपने हैंड ओवर कर लेता है। तो इसके अंदर जो है हमें पता चलता है कि बेसिकली हाईजैकिंग होती क्या है, कोई भी आउटसाइडर थिंग जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करती है एंड देन हमारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। सेम फंडा जो है हमारी कंट्रोल हाईजैकिंग का है कि कोई भी विक्टिम का जो प्रोग्राम है सिस्टम के अंदर, उसमें जो है ओवरराइटिंग होती है। अटैकर अपना प्रोग्राम ओवरराइट कर देता है उस विक्टिम के प्रोग्राम के अंदर या उस सिस्टम के उस यूज़र के प्रोग्राम के अंदर, जिसके बाद क्या हो जाता है हमारे सिस्टम का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, अटैकर के हैंड में चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, विक्टिम के प्रोग्राम में जो है ओवरराइटिंग हो रही है। ओवरराइटिंग किस चीज़ की हो रही है, सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर जो भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसकी ओवरराइटिंग हो रही है। और वो ओवरराइटिंग कौन करता है, वो करता है हमारा अटैकर। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, कोड इंजेक्शन अटैक और कोड रीयूज अटैक, ये दो जो है हमारे एग्जांपल है कंट्रोल हाईजैकिंग के। अब देखते हैं हम हाईजैकिंग अटैक्स के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो हाईजैकिंग है, हाईजैकिंग जो है एक टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक है, जिसके अंदर अटैकर जो है क्या कर लेता है, कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करता है, यानी सिस्टम का जो भी कंट्रोल है वो अटैकर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हाईजैकिंग अटैक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क हमारे सिस्टम के थ्रू, वो सभी जो है अब हाईजैकर के पास चली जाती है। और अब आप जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे, तो सेम कम्युनिकेशन जो आपने मैसेज ट्रांसमिट किया है या कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया है, वो सेम कभी भी सामने वाले रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा, बिकॉज आपका सिस्टम हाईजैक हो चुका है। अगर आप बेसिकली हेलो भी लिखते हैं तो हो सकता है रिसीवर के पास हेलो की बजाय कोई और थेफ्ट मैसेज चला जाए, कोई और सेंसिटिव मैसेज चला जाए, जबकि आपने वो मैसेज सेंड नहीं किया, वो मैसेज सेंड किया गया है अटैकर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हाईजैकिंग अटैक। और कम्युनिकेशन ऑब्वियस सी बात है कि दो एंटिटीज़ के बीच में होती है, दो यूजर्स के बीच में होती है, तो ये जो अटैक भी जो है दो यूजर्स के बीच में जो है वर्क करेगा। कंट्रोल हाईजैकिंग की हमने बात की, हाईजैकिंग अटैक के बारे में हमने बात की, और अब हम बात करेंगे डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग। हम कैसे हमारी कंट्रोल हाईजैकिंग से जो है बच सकते हैं, उसका डिफेंस कर सकते हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करेगा। यू कैन रीड इट आउट बाय स्टॉप द वीडियो, बट मैं जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करूँगा जिससे आप जो है कंट्रोल हाईजैकिंग से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर जो है कुछ हाइलाइटेड यहाँ पे मेंशन है, कंप्लीट मेमोरी सेफ्टी, कोड पॉइंटर इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल फ्लो इंटीग्रिटी, ये तीन जो है हमारे प्रॉमिसिंग डिफेंस है थ्योरी के अंदर कंट्रोल हाईजैकिंग की। तो अगर आप इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पहला कंप्लीट मेमोरी सेफ्टी, आपको आपकी मेमोरी की सेफ्टी इस तरीके से मेंटेन करनी है कि आपकी मेमोरी के अंदर कोई भी इररिलेवेंट अनवांटेड फाइल वहाँ पे ना हो, कोई भी वायरस कंटेंट फाइल, कोई भी मेलवेयर कंटेंट फाइल जो है जो भी आपने इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड की है वो वहाँ पे आपकी मेमोरी के अंदर ना हो। दूसरा और तीसरा आता है हमारा कोड पॉइंटर इंटीग्रिटी और कंट्रोल फ्लो इंटीग्रिटी, ये दोनों जो है बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, दोनों जो है एक साथ वर्क करते हैं। कंट्रोल फ्लो इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम का कंट्रोल है हमें इस तरीके से मेंटेन करना है कि प्रॉपर ऑथराइज्ड यूज़र ही उसको यूज़ कर सके या फिर प्रॉपर एडमिन ही उसे यूज़ कर सके। अगर कोई भी पर्सन, यानी अगर सपोज आपका सिस्टम पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी आपका सिस्टम यूज़ कर सकता है, देन आपके कंट्रोल हाईजैकिंग के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपका सिस्टम जो है ईजिली अटैकर के थ्रू कंट्रोल हो सकता है। तो ये बेसिक थ्री यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज थी जिसके थ्रू जो है आप कंट्रोल हाईजैकिंग का डिफेंस कर सकते हैं।
अब एक मेजर टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारी रन टाइम डिफेंसेस। रन टाइम डिफेंस इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डेटा लॉस हो रहा होता है या फिर डेटा थेफ्ट से जो हमें डेटा बचाना है, हमारी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करना है, तो हमें जो है रन टाइम डिफेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। और रन टाइम डिफेंसेस बेसिकली जो है बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है, जो कि क्या करती है, एंटीवायरस जो हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं एंटीवायरस जो भी हम यूज़ करते हैं, सपोज़ फायरवॉल हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर आजकल पेड, सपोज़ लाइक क्विक हिल सिक्योरिटी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इस तरीके की अगर हम सिक्योरिटी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं एंटीवायरस सर्विसेज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर उसका हम यूज़ करते हैं तो हम जो है कंट्रोल हाइजैकिंग से बच सकते हैं। बिकॉज एंटीवायरस क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर कोड को इंजेक्ट कर रहा है, यानी अटैकर अगर आपके सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आपके प्रोग्राम को ओवरराइट कर रहा है, तो जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपके सिस्टम में एंटर होगा, आपके पास जो है एक अलर्ट मैसेज शोन हो जाएगा दैट वायरस इज इन योर सिस्टम। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फास्टली एफिशिएंटली जो है आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं उस अगेंस्ट द वायरस। तो इस एमर्जिंग कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, ये जो हमारी एमर्जिंग कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, इसे हम बोलते हैं रन टाइम मैलवेयर डिफेंस, जो कि क्या करता है, प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन देता है आपके सिस्टम को डिटेक्ट करने का वायरसेस मैलवेयर के लिए। और ये क्या करता है, जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर मैलवेयर वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, ये उसे जो है उसी टाइम जो है तुरंत ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, जैसे ही अटैकर का वायरस प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर करने के बाद ब्लॉक हो जाएगा, तो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और अटैकर जो है आपके सिस्टम का कंट्रोल नहीं ले पाएगा।